अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खान साहब का किचन। आज की हमारी रेसिपी है चाट की। तो सबसे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस बेल आइकन को हिट करेंगे। आज की हमारी रेसिपी है दही पूरी की। ये है इसके इंग्रेडिएंट्स, काफ़ी नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स है। ये रगड़ा बनाया है, सफ़ेद चना, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के इसको उबाल लिया है। अच्छे से उबाले, ज़्यादा पानी ना डालें। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी थिक। और इसे थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा चम्मच से या मैशर से। हल्का सा मैश करना है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। अब इसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे, जो है ग्रीन चटनी। इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी मेरी पुरानी जो चटनी की रेसिपी है वही है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। ये खजूर की चटनी है। यहाँ पे मैंने लिया है खजूर, इमली, गुड़। इसको उबाल के ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लेना है। ये है दही। इसमें मैंने थोड़ा एक पिंच सॉल्ट डाला है, शक्कर डाला है और इसे मैंने फेंट लिया है अच्छे से। अब आगे हमें ये आलू है, आलू को उबाल के मैश कर लेना है और उसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अब हम करेंगे इसे प्रिपेयर। ये मैश आलू और इस तरीके से हम पूरी पानी पूरी की पूरी में इसे छेद करेंगे, खड्डे करेंगे और इसे प्लेट में सजा लें। इसमें गए हैं आलू, अभी मैंने इसमें डाल लिया है रगड़ा, स्पून की मदद से आप कर सकते हैं ये। और इसमें गई है मेरी दही। वीडियो काफ़ी छोटी होगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ डाली है हरी चटनी और उसके ऊपर से मैंने स्प्रिंकल किया है रेड चिल्ली पाउडर और चाट मसाला पाउडर। अब इसके बाद इसमें मैंने डाली है मीठी चटनी और सेव। याद रखिएगा, मीठी चटनी बनाते हुए, खट्टी मीठी चटनी है वो, उसे बनाते हुए इमली की बींजों को निकाल लेना है उबालने से पहले। और जल्दी से मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करें और इसे टेस्ट करें और बताएं कि आपकी रेसिपी कैसे बनी है। मेरे साथ अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करें मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। थैंक यू, अल्लाह।